The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, let's talk about sciatica. What is sciatica? पैर में दर्द हो रहा है, पीठ से दर्द जा रहा है, नीचे पैर में दर्द है, तो आपको हो सकता है sciatica. Yes, इसका नाम है sciatica. Now, sciatica एक पैरों में, जो पूरे पैर में ऊपर से नीचे तक जाने वाला पेन है, वीकनेस, कमजोरी हो सकती है. जरूरी नहीं है पूरे ही पैर में दर्द होगा ही होगा, पेन हो सकता है, या तो थोड़े पैर में या पूरे पैर में, कमजोरी हो सकती है और वीकनेस हो सकती है, वीकनेस या नमनेस हो सकती है, और टिंगलिंग टिंगलिंग नमनेस भी हो सकती है पैरों में. दिस इज लाइक ऑप्शनल, ये हो सकता है या दोनों साथ में हो सकता है या कोई एक हो सकता है. नाउ दिस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ एन इंजरी टू द sciatic नर्व. आपके sciatic नर्व जो आपके आपके पैर में sciatic नर्व होती है, sciatic नर्व आपके पीठ से निकल के जा रही है ऐसे नीचे, लोअर बैक से निकल के जो सबसे मोटी नर्व होती है, दैट इज कॉल्ड एज sciatic नर्व. और ये sciatic नर्व आपका एक सिम्टम है कि उस sciatic का, उसी sciatic नर्व का सिम्टम है कि आपको दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, वो वट एवर इज हैपनिंग, दैट इज अ सिम्टम कि वहाँ sciatic नर्व में प्रॉब्लम हो रही है. नाउ दिस इज नॉट अ मेडिकल कंडीशन ऑफ इट्स ओन, ये डायग्नोसिस नहीं है. sciatica इज अ सिम्टम, बिल्कुल जैसे आपको अगर हाथ में दर्द हो रहा है, उस हाथ में दर्द का एक दूसरा नाम दे दें, जैसे लेफ्ट आर्म पेन, लेफ्ट आर्म पेन को हम नया नाम दे दें, कुछ भी, वैसे उसको sciatic नर्व के एक साइड के दर्द को sciatica करके नाम दिया गया है. तो sciatica अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो हमें ये आइडिया दिलवाता है कि हाँ, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, और यहाँ कहीं ना कहीं का मतलब है आपके sciatic नर्व पे. ठीक है, अब इसका कारण क्या, क्या क्या कारण हो सकते हैं, सो व्हाट कॉजेज दीज काइंड ऑफ पेन्स. नंबर वन कॉज इज डैमेज टू द sciatic नर्व. ऑब्वियसली बात है, नर्व में गड़बड़ी है तो नर्व में डैमेज हो रहा है. नर्व में डैमेज हो सकता है आपके पूरे sciatic नर्व के रास्ते में कहीं भी. याद रखिए, sciatic नर्व आपकी चल रही है आपके लोअर बैक से लेके पूरा नीचे पैर तक. तो जब नीचे तक जाने वाली sciatic नर्व है, तो उस नीचे तक जाने वाली sciatic नर्व पैर के सारे मसल्स को, सारे मसल्स को, घुटने, यू नो, मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द नी, लोअर लेग, इन सबको कन्वर्ट, इस पैर के नीचे वाले सारे मसल्स को सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई, यानी कंट्रोल करती है. ऐसे में इट कैन प्रोड्यूस सेंसेशंस इवन टू द बैक ऑफ द थाई, यानी पैर के पीछे वाले पैर, थाई, जांघों के पीछे वाले हिस्से में जो आप हाथ लगाओगे आपको महसूस होगा, वो sciatic नर्व के वजह से होगा. और इसके आउटर पार्ट, इनर पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ द लेग थाई, बाहर का पार्ट, और बैक ऑफ द लोअर लिम, पैर का नीचे वाला पार्ट वहां पर, और सोल्स ऑफ द फुट, पैरों के सोल में, यहां तक सेंसेशन भी वो सप्लाई कर, तो मसल्स को भी वो सप्लाई कर रही है नीचे पैर के और घुटने के आस, घुटने के पीछे और नीचे, और सेंसेशंस को. तो इस जगह पे कहीं पे भी सेंसेशन प्रॉब्लम हो सकता है, मसल्स में पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ sciatica. अब sciatica मतलब मसल में हो रही है डैमेज, नर्व में हो रही है डैमेज. नर्व में डैमेज हो सकती है, नंबर वन एंड मोस्ट कॉमन रीजन इज योर डिस्क, स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, हर्निएटेड डिस्क. जब डिस्क हर्निएट हो जाती है तो वो दिक्कत करती है. ठीक है, तो दूसरा कारण है स्पाइनल स्टेनोसिस. स्पाइनल स्टेनोसिस का मतलब है कि आपकी स्पाइनल कॉलम में, पीठ में जो खून की जो इलेक्ट्रिकल नस जा रही है वही बंद हो रही है. स्पाइनल कनाल जो है बंद हो रहा है, स्टेनोसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस, ओवर ग्रोथ ऑफ वट एवर बोन्स, ऐसी चीज़ें हो जाती है. फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एज पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम. पायरीफॉर्मिस एक मसल है जो आपके बटक्स में होती है, और ये पायरीफॉर्मिस अगर इन्फ्लेम हो जाए, टाइट हो जाए, तो पायरीफॉर्मिस कैन प्रेस ओवर sciatic नर्व. उसके वजह से भी दिस कैन कॉज अ पेन डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग बिकॉज ऑफ दिस मसल, राइट, पेन प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे, पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम. फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एज पेल्विक इंजरी, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए गिर गए, मान लो आप सीढ़ी से गिर गए, ढक 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 ढक, बैठे बैठे, और बहुत सारा ऐसे इंजरी, तो पेल्विक एरिया में कहीं पे भी इंजरी होगी तो आपको वो sciatic नर्व पे डायरेक्ट इंजरी, ट्रॉमा, पेल्विक फ्रैक्चर, उसके वजह से sciatic नर्व कैन गेट डैमेज.
एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट योर ट्यूमर्स. ट्यूमर्स हैं आपके पेल्विक ट्यूमर्स, कैंसर्स या गांठें जो कि उसको दबा सकती है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन एंड ज़्यादातर केसेस में यंग एज में होता है, मतलब यंग मिडिल एज में, 30 से शुरू करके 50 साल की उम्र तक होता है, उसके आगे ज़्यादा कमी होता है. तो 30 से 50 साल की उम्र में शुरुआत होती है, ऑब्वियसली आगे शुरुआत ऐसा हो नहीं हो, मुश्किल से होती है कि ओल्ड एज में हो, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता. ज़्यादातर केस में 30-50 की एज में होता है. एंड इसके इसका पेन काफ़ी वेरी करता है, किसी को नाके बराबर पेन होगा, किसी को खूंखार पेन होगा, जोरदार पेन होगा, माइल्ड सी टिंगलिंग हो सकती है, किसी को डल डल एकिंग पेन हो सकता है, किसी को बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, और इन सम केसेस पेन कैन बी यू नो सिवियर इनफ कि आप चल ही ना पाओ, इतना तेज पेन है कि चल ही नहीं पा रहे हैं, ये भी हो सकता है. ठीक है, ऑलराइट. एंड देन द पेन एंड नमनेस मे ऑल्सो बी फेल्ट ऑन द बैक ऑफ द काफ और द सोल ऑफ द फुट. सो आपके पैरों के तलवों में या पीछे पिंडलियों में भी दर्द हो सकता है, और यहाँ पर फीलिंग वीक फीलिंग भी हो सकती है, स्टिंगलिंग नमनेस भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पैर जब नीचे जमीन पर रखा तो वहाँ पकड़ा गया, हिली नहीं रहा अब, ऐसा भी हो सकता है, इनएबिलिटी टू वॉक टाइप ऑफ थिंग. सो शुरुआत कैसी होती है, नॉर्मली पेन धीरे धीरे शुरू होता है, नॉर्मली द पेन स्टार्ट स्लोली एंड इट मे गेट वर्स ओवर टाइम. सो दिस इज वॉट हैपन, इट मे स्टार्ट आफ्टर स्टैंडिंग और सिटिंग और ड्यूरिंग, यानी कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कुछ दिन टाइम के लिए हो रहा है दिन में, और या फिर रात को ही हो रहा है सिर्फ, और या फिर कभी खांसी की हंस रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, छींक रहे हैं, तब पेन हो रहा है पैर में, ये भी हो सकता है, या फिर सामने की तरफ झुक रहे हैं, या फिर कुछ देर चल रहे हैं तब पेन हो रहा है, ये भी हो सकता है, स्पेशली स्पाइनल कनस्टेनोसिस के केसेस में, वो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशंस या खून की नसें ब्लॉक हो जाए उसके साथ कन्फ्यूजन भी हो सकता है. उसके बाद अगर आप लैट्रिन में ताकत लगा रहे हो बॉबल मूवमेंट में, या फिर आप मान लो सांस रोक के बैठे हो, तब भी ऐसी चीज़ों में दर्द हो सकता है. तो ये पॉसिबल है कि ऐसे शुरुआती फेज में आपके दर्द ऐसे हो. तो आप क्या करोगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर टेस्ट करेगा, क्या करेगा, आपको यही सारे एग्जामिनेशन करेगा कि आपके घुटने बेंड करने में कोई वीकनेस तो नहीं है, पैरों में सारी मूवमेंट में कहीं वीकनेस तो नहीं है, कहीं लॉस ऑफ सेंसेशन तो नहीं है, पेन में टेंडरनेस तो नहीं है, दबाने से कहीं दर्द तो नहीं है, उसके बेसिस पे फिर टेस्ट किए जाएंगे. टेस्ट में शुरुआती फेज में एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं, इमेजिंग टेस्ट किए जा सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम है. पैरों का अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है अगर हमें दूसरे कोई कारण लग रहे हैं तो. अल्टीमेटली शियाटिक का जब पता चल जाता है, पीठ का एमआरआई करके कि शियाटिक नर्व दब रही है, तो दैट नीड्स ट्रीटमेंट. इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन, इट इज़ नॉट अ डिजीज़. इसमें सिम्टम में इसके कारण के ऊपर ट्रीटमेंट होता है कि भाई ये कारण है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, राइट. कई बार कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, और कई टेम्प्रेरी केसेस होते हैं जिसमें नर्व अपने आप रिकवर हो जाती है. उसके लिए कंजर्वेटिव नॉन सर्जिकल सिंपल मैनेजमेंट बेस्ट केसेस में काम करता है. वो आपको शुरुआत में तो वैसा करना ही करना है. उसमें क्या क्या करना है, यू कैन एक्चुअली काम योर सिम्टम्स, रिड्यूस इन्फ्लामेशन बाय जस्ट अप्लाइंग आइस और हीट. नाउ आइस और हीट का क्या मतलब हुआ, ये लगाना है कि वो लगाना है. इसमें क्या करना, पहले ट्राई आइस फॉर द फर्स्ट 48-72 आवर्स. पहले 2-3 दिन के लिए आप पहले बर्फ लगाएंगे, उसके बाद में भी दर्द रहे महसूस हो रहा है, ठीक नहीं हुआ, तो फिर 3 दिन के बाद आप गर्म लगाएंगे, पहले ठंडा सेक फिर गर्म सेक, सिंपल शुरुआती फेज में दर्द ज़्यादा है तो पहले ये. उसके अलावा आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में पेन किलर ले सकते हैं, ओवर द काउंटर वाली, ब्रूफेन, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, ऐसी चीज़ें, नेप्रोक्सिन, ट्रामाडोल, ऐसी चीज़ें. अब इसके अलावा आपने थोड़ा रेस्ट करना है, लेकिन बेड रेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड. ऐसा नहीं कि बेड पे लेट जाना है, प्रॉपर रेस्ट लेना, जितनी नींद आनी चाहिए. आपने एक्टिविटी को रिड्यूस करना है पहले 2 दिन, राइट. और नॉर्मल एक्टिविटी को शुरू करने से पहले आपको स्लोली शुरू करेंगे, ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाएंगे, बैक को ट्विस्ट नहीं करेंगे पहले 6 हफ्ते के लिए. आफ्टर दैट आप कर सकते हो, और 2-3 हफ्ते के बाद आप एक्सरसाइज शुरू करिए. अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, पहले 2-3 हफ्ते ले रेस्ट, और एक्सरसाइज में कोर मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, बैक मसल्स, कोर मसल, फ्लेक्सिबिलिटी को अपना एक्सरसाइज करनी है. ये मेजर्स आपको ज़्यादातर केसेस में हेल्प कर जाएंगे. अगर ये हेल्प नहीं करते हैं तब आप फिर डॉक्टर के पास जाके, डिपेंडिंग अपॉन, अगर नर्वसों में ज़्यादा सूजन है तो उसके ऊपर इंजेक्शन भी लगवा सकते हो, या सूजन कम करने की ज़्यादा मेडिकेशन भी आती है, नसों के दर्द की मेडिकेशन भी आती है, जो सीवियर मेडिकेशंस होती है, वो न्यूरोलॉजिस्ट या आपको
जो एनेस्थेटिस्ट पे पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर हैं वो बेस्ट बता सकते हैं कि आपको उस केस में फिर आगे सेकंड ऑप्शन क्या है. अगर नस दब रही है, डिस्क प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशन करना पड़ सकता है. लाइक आई सेड, ज़्यादातर केसेस में शियाटिका अपने आप ठीक हो जाता है, बहुत कॉमन है और बहुत कॉमनली वापस भी आ जाता है. सो अपने पोस्चर पर ध्यान दीजिए, अपने बॉडी को देखिए, अपने लाइफस्टाइल को देखिए, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल है या नहीं, उसका वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पे देख लीजिएगा, राइट, हेल्दी लाइफस्टाइल बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करके. अगर ये चीज़ बढ़ गई, मान लो आप कुछ नहीं करते हो, तो स्लिप डिस्क बढ़ सकती है, कनाल स्टेनोसिस और या स्लिप डिस्क बढ़ेगी तो दिक्कतें, पेन बढ़ सकता है, परमानेंट नमनेस भी हो सकती है, परमानेंट वीकनेस भी हो सकती है आपके पैर की. सो रिमेंबर, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, नमनेस हो रही है, पेन हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड सी अजीबोगरीब सी फीलिंग है, तो चेक ज़रूर कराइए. या फिर लॉस ऑफ कोई सेंसेशन लॉस हो रही है, पेशाब अपने आप निकल रहा है, तब भी ऐसी चीज़ें हो सकती है. सो प्रिवेंशन में याद रखिए, आपको ज़्यादा देर बैठना नहीं है, ज़्यादा देर खड़े नहीं होना है. याद रखिए, अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए, पीठ सीधी रखिए, ठीक है, झुक के ऐसे स्लॉच करके नहीं बैठना है, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. खड़े होंगे तो नीज लॉक नहीं करनी है. इफ़ यू डोंट नो दिस, देन यू डोंट नो द बेसिक पोस्चर. सो गो एंड वॉच द पोस्चर वाला वीडियो एंड मेक श्योर टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो. आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन.